ऊटी लेक के बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऊटी से 25 किलोमीटर दूर एक ऐसी प्राइम लोकेशन पे जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाइकरा की, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पाइकरा के कुछ बहुत ही शानदार नज़ारे। आज मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। देखते हैं, ठीक हो जाएगा होपफुली। यहाँ पे आप पहुँच सकते हो, टैक्सी बुक कर सकते हो आप यहाँ पे आने के लिए, या फिर आप मेरी तरह ये ऑटो ले सकते हो। ऑटो वाला आपको चार्ज करेगा करीब करीब 1400 रुपये से 1500 रुपये के आसपास। ये आपको बार्गेनिंग करने के ऊपर है कि आप कितना बार्गेनिंग कर पाते हो। जो चीज़ें कवर होंगी वो होगी आपको पाइकरा लेक, और साथ में 3-4 स्पॉट्स और हैं जो आपको वो दिखाएंगे। तो मैं आपको बारी बारी में सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या आप ऑटो में देख सकते हो। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। तो ये नज़ारा है कुछ पाइकरा लेक का, जहाँ पे आप कर सकते हो बोटिंग, और बोटिंग के चार्ज से ज़्यादा नहीं है, 150 रुपये से 200 रुपये तक के है जो पैंडल वाली बोट होती है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे स्नैक्स के ऑप्शंस बने हुए हैं, तो आप जाके नीचे स्नैक्स वगैरह भी खा सकते हो। वॉशरूम और कार फैसिलिटी, कार पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आओ देखते हैं पाइकरा को ड्रोन शॉट्स के साथ। अभी मैं आ गया हूँ 9 माइल्स शूटिंग पॉइंट पे, और ये पॉइंट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है। एक बहुत बड़ा खाली मैदान है और ग्रीनरी, और पीछे दिख रहे हैं पहाड़ बड़े ही खूबसूरत वाले। यहाँ पे आकर आप घुड़सवारी भी कर सकते हो। इधर सामने घोड़े हैं बहुत सारे, जहाँ पे आप घुड़सवारी कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, और जो कॉस्ट है वो 200 से 250 रुपये है। आप इंजॉय कीजिए। बहुत सारे ट्रीज़ हैं यहाँ पे, ऐसा बोला है मेरे को, और कुछ स्पेशल किस्म के पेड़ है इधर। देखते हैं क्या मिलता है। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और बहुत
शांति है। थोड़े बहुत बंदर है तो उनसे थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि वो सामान वगैरह लेके भाग जाते हैं। बाइकरा का मेरा ये सफर हो चुका है यहीं पे समाप्त। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ऊटी और कन्नूर के कुछ बहुत ही जबरदस्त नज़ारे।